तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस फ्लाईबोट ईयरबड्स को पेयर कैसे करना है। बहुत प्रॉब्लम आता है लोगों को कनेक्ट करने में, दोनों ईयरफोन्स काम नहीं करते हैं, तो दोनों को काम कैसे कराना है, दोनों को पेयरिंग कैसे करनी है, वो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ये अभी चार्जिंग स्टेटस में है, सिर्फ रेड कलर का अगर इसमें आपको रेड LED दिख रहा है, मतलब ये चार्जिंग हो रहे हैं। अब इन दोनों को आप जैसे ही बाहर निकालते हो, ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में पेयर हो जाने चाहिए, अगर इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ा जाए तो उसके हिसाब से इन दोनों ईयरबड्स को आपस में कनेक्ट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही ईयरफोन में आपको आवाज़ आती है। तो चलिए हम देखते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, इन दोनों को ऐसे एज इट इज छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। ये देखिए, ब्लूटूथ ऑन करने के बाद जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्लाईबोट एक्टिव बोल के एक आपको शो कर रहा है, उसे आपको कर लेना है पेयर। अब इसमें बैटरी जो है वो 100% दिखा रहा है। अब हम अपने इस ईयरबड्स को मैंने अपने कान में डाल लिया है। कान में डालने के बाद अब मैं कोई म्यूजिक चलाकर इसमें, तो मैंने चेक कर लिया, अभी दोनों ही बज रहे हैं, दोनों ही कानों में मुझे आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, देखो, जिनको प्रॉब्लम अगर आ रही है, जिनके दोनों ही आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों बटन्स को 20 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे 20 सेकेंड तक पूरे अच्छे से इसको दबा कर रखे। इससे क्या होता है कि ये दोनों ही ईयरबड्स आपके रीसेट हो जाते हैं, और रीसेट होने के बाद ये देखिए, 20 सेकेंड मैंने इसको दबा कर छोड़ दिया। अब फिर इसे वापस आप डब्बे में रखिए, डब्बे में रखिएगा तो ये चार्जिंग होने लगेंगे। चार्जिंग होने के 1-2 सेकेंड के बाद आप इन्हें वापस निकाल लें। निकालने के बाद आप यहाँ पर चेक करें कि ये दोनों ही ब्लू रेड ब्लिंक होता है। अब देखिए, इसमें से एक की ब्लिंकिंग ऑफ हो चुकी है और सिर्फ एक ही ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये वाला ईयरबड इस वाले ईयरबड के साथ पेयर हो चुका है, एंड नाउ दिस ईयरबड इज रेडी टू बी कनेक्टेड विथ आपका कोई भी फोन, आईपॉड या आईपैड। तो इस तरीके से आप पेयरिंग वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है, आप पहले 20 सेकंड दबा कर रीसेट जरूर कर लें। अगर पेयरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 20 सेकंड दबाकर आपको रीसेट करना है।